हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि प्रिज्म होता कैसे है। तो देखिए, इस टाइप का ग्लास का एक सॉलिड बना हुआ है और उसी में से क्रॉस सेक्शन काटता है तो ये ट्रेंगल बन जाता है। ये वाला ये ट्रेंगल बन जाता है, यही हो गया आपको प्रिज्म जो ग्लास से बना हुआ होता है। अच्छा, ये ऊपर वाला एंगल को प्रिज्म का एंगल कहते हैं और ये ए बी फेस जो है इसको और ए सी फेस ये दोनों को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, क्योंकि उसी होके लाइट जाएगा और दूसरे होके निकलेगा, इसीलिए रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज। और बी सी को प्रिज्म का बेस कहते हैं। क्लियर है? ये हुआ प्रिज्म एंगल, ये फेस और ये फेस हुआ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज और बी सी हुआ आपको बेस ऑफ द प्रिज्म। और देखिए, एक लाइट रे पी क्यू इस पर गिरने दीजिए, इस फेस पर, ए बी फेस पर। जिस पॉइंट पर गिरा उस पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, इस पर, इस फेस पर परपेंडिकुलर खींच दीजिए। ये डॉटेड लाइन देखिए, क्यू एन वाला डॉटेड लाइन। तो जैसे ही ये रे इंटर करेगा तो वो नॉर्मल की ओर, सीधा वाला लाइन तो इसका वैसे है, लेकिन प्रिज्म पड़ गया बीच में, इसलिए वह जो है बेंड कर जाएगा नॉर्मल की ओर। इसलिए देखिए ना, वो रास्ता छोड़ के ये थोड़ा बेंड कर गया। अब बेंड करके करके इसी में प्रिज्म में चलते चलते इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया तो यहाँ भी जहाँ एटी किया उस पर एक नॉर्मल देखिए डाल दीजिए, आर एन नॉर्मल। तो इस बार क्या है कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, इसलिए रे जो है परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल से दूर भागेगा, इसलिए ऐसे चला आया भाग कर। अब थोड़ा देखिए एंगल कौन कौन क्या है। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, आर वन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हाँ ये इस फेस के लिए, और ये आर टू क्या है, क्योंकि नॉर्मल से बना हुआ है रे का लेकिन इंसिडेंट हो रहा है इस फेस पर, तो आप उसको कहिए कि इस फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है और वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, या एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस मैंने जिस एंगल से वो निकला, इमर्ज किया, निकला आई डैश। तो आपने समझ गया, आई आर वन आर टू एंड आई डैश। अच्छा, अब अगर प्रिज्म नहीं रहता तो ये लाइन ऐसे चला जाता रे, पूरा स्ट्रेट लाइन। प्रिज्म रहने के कारण ये बेंड करके इधर आ रहा है, तो इसका मतलब इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, जहाँ इसको काटे ये जो एंगल बना यही एंगल ऑफ डेविएशन होगा, यही होगा एंगल ऑफ डेविएशन, यानी उतना एंगल से इंसिडेंट रे डेविएट कर गया, ऐसा समझिए। डेल्टा हमने दिया है उसको, इमर्जेंट रे जो है आर क्यू उसको पीछे बढ़ाइए और ये वाला सीधा लाइन जो है इंसिडेंट रे का उसके साथ मिलाने के बाद जो एंगल बनता है डेल्टा, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा डेविएशन वाला एंगल। अच्छा, तो अब देखिए डेल्टा हमने कैलकुलेट किया है,
डेल्टा। तो ठीक से देखिए, इस ट्रायंगल में ये एक्सटेंडेड है, यानी ये डेल्टा एक्सटर्नल एंगल है, जो इंटरनल एंगल ये और प्लस ये होगा। तो ये एंगल है कितना, तो ये टोटल है आई, उसमें से आर वन हटा दीजिए तो आई माइनस आर वन, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। और उसी तरह ये एंगल कितना है, तो आई डैश माइनस आर टू, इसलिए लिखा हुआ है आई डैश माइनस आर टू। तो आपने डेल्टा का एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा, और इसको थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए। आई आई डैश को एक जगह ले लीजिए और माइनस आर वन, और माइनस आर टू है तो माइनस कॉमन लेके आर वन प्लस आर टू कर दीजिए। अच्छा, तो डेल्टा का एक्सप्रेशन एंगल ऑफ डेविएशन का इस रूप में अभी आपको मिल गया। अब देखिए, एंगल ए जो है और ये एंगल में देखिए क्या संबंध है। तो एक्चुअली ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि तो परपेंडिकुलर खींचे हैं ना। तो ये 90 इस क्वाड्रिलेटरल में सोचिए, ये एंगल 90, ये एंगल 90, इसका मतलब 180। तो यानी एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर होगा 180 माइनस एंगल एन। 180 ए एंगल होगा 180 माइनस एंगल एन। एंगल एन को क्या लिख सकते हैं, तो हे इस ट्रायंगल से लिखिए, क्योंकि हमको तो आर आई सब के टर्म में लिखना है ना। देखिए, एंगल एन प्लस आर वन प्लस आर टू, तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होना चाहिए, इसलिए एंगल एन हुआ 180 डिग्री माइनस आर वन माइनस आर टू। वही चीज देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एंगल ए बराबर 180 माइनस एंगल एन, यानी इक्वल टू 180 माइनस एंगल एन। एंगल एन को अभी हमने लिखा है माइनस 180 माइनस आर वन माइनस आर टू। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, 180 में 180 कट गया और आपको आ गया एंगल ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। एकदम क्लियर है ज्योमेट्री से। तो एंगल ए अगर आर वन प्लस आर टू है, तो ऊपर वाला जो डेल्टा वाला आप निकाले थे, आर वन प्लस आर टू के बदले आप एंगल ए दे दीजिए। अब हम एंगल का चिन्ह नहीं दिए, ए खाली दे दिए हैं। तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई डैश क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, माने जितना एंगल से निकला, और ए क्या है, तो प्रिज्म का एंगल, इस रूप में है। अब आप एक प्लॉट बनाइए। प्लॉट किसका बनाइएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का। देखिए, एक्सिस दिया हुआ है डेल्टा एक्सिस और आई एक्सिस, और इस एटी को, इसको आप प्लॉट कीजिएगा। इसको जब प्लॉट कीजिएगा तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, इस टाइप का। कोई पोजीशन पर अगर मैं कोई डेल्टा पर, इस साइड तो डेल्टा है, अगर मैं एक हॉरिजेंटल लाइन खींचता हूँ, देखिए डॉटेड लाइन मैंने खींचा, तो वो कर्व को दो जगह काटेगा, एक शुरू में यहाँ काटेगा, दूसरा यहाँ काटेगा। वहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए, नॉर्मल, यहाँ से भी गिराइए,
तो ई मान लीजिए आई हुआ तो वो होगा आई डैश। क्लियर कि कोई डेल्टा एक ठो अगर लेंगे वो हम खींचेंगे हॉरिजेंटल लाइन तो कर्व को दो पॉइंट पर काटेगा और उसको यहाँ नॉर्मल देंगे तो ये एंगल आई बताएगा और ये एंगल आई डैश बताएगा एंगल इमरजेंसी, क्योंकि हमारा प्लॉट है आई प्लस आई डैश माइनस ए का वर्सेस डेल्टा। तो अब एक चीज यहाँ देखने लायक है, अगर हम ज्यों ज्यों मान लीजिए उससे नीचे आते जाएंगे तो आई बढ़ते जाएगा आई डैश घटते जाएगा। देखिए ना कटिंग होगा ना, ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ हम लाइन देते हैं तो आई बढ़ गया और आई डैश घट गया। तो ज्यों ज्यों हम डेल्टा कम करते चलेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा लास्ट में जहाँ कि आई इक्वल टू आई डैश हो जाएगा। ये पॉइंट पर क्या है एकदम सबसे लास्ट पॉइंट पर आई इक्वल टू आई डैश, माना आई भी उतना ही है जितना आई डैश है, और ये जो है डेल्टा का मिनिमम हाइट है, ये मिनिमम हाइट, ये सब उससे बड़ा बड़ा है या बड़ा बड़ा है, लेकिन ये है डेल्टा यानी डेविएशन का, डेल्टा का यानी एंगल ऑफ डेविएशन का मिनिमम वैल्यू जहां आई इक्वल टू आई डैश। तो इसीलिए इसको लिख देते हैं डेल्टा एम, माने ये वैल्यू जहां आई इक्वल टू आई डैश हो तो उस समय जो डेविएशन होगा वो होगा डेल्टा एम यानी मिनिमम, एम माने मिनिमम यहां समझिए। तो डेविएशन मिनिमम डेविएशन कब होता है तो जब आई इक्वल टू आई डैश, उस फोटो में देखिए, यानी जब आई बराबर आई डैश एंगल हो जाएगा तब इसका मतलब ये डेल्टा जो है मिनिमम वैल्यू डेल्टा एम होगा। और अब आप समझिए ज्योमेट्री से कि आई बराबर आई डैश होने का मतलब है क्यू आर लाइन जो है बेस के पैरेलल हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हुआ मिनिमम डेविएशन का, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन ये हुआ कि रिफ्रैक्टेड रे जो है प्रिज्म में वो मस्ट बी पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। उस समय जो डेविएशन होगा इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल यानी डेविएशन वो मिनिमम होगा, उसी को डेल्टा एम कहते हैं। वही चीज इस ग्राफ में दिया हुआ है, जब आई इक्वल टू आई डैश, कहने का मतलब आई इक्वल टू आई डैश होता है इसका मतलब ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू बेस। यानी अब इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म का के अंदर का रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो जाए तो उस समय में आपको जो डेविएशन होगा वह मिनिमम डेविएशन होगा। तो आप समझ गए कि मिनिमम डेविएशन कैसे हम का कंडीशन क्या है कि क्यू आर मस्ट बी पैरेलल टू बी सी और आई मस्ट बी इक्वल टू आई डैश, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, अपने ही हो जाएगा ये पैरेलल इसका। तो ये आपका क्लियर हुआ। तब अब आइए, जब आई इक्वल टू आई डैश हो जाता है या आई डैश इक्वल टू आई हो जाता है तो उस समय आप भी जानते हैं आई और ये आई डैश बराबर हुआ तो ये भी एंगल जो है दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी आर वन इक्वल टू आर टू हो जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है कि इन दिस केस जब आई डैश इक्वल टू आई होगा फॉर मिनिमम डेविएशन तो उस समय में R1 विल बी इक्वल टू R2, R1 एंगल R2 एंगल के बराबर होगा। और मान लीजिए कि वो दोनों बराबर है, उसका वैल्यू R है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं
इसको इसमें आई इक्वल टू आई डैश करेंगे तो डेल्टा एम हो जाएगा, इसलिए डेल्टा एम बराबर आई डैश को आई बनाइए तो टू आई माइनस ए। क्लियर? जब हम आई इक्वल टू आई डैश करेंगे इसका मतलब मिनिमम डेविएशन होगा उस समय में, तो इसलिए डेल्टा को हम डेल्टा एम लिखेंगे इक्वल टू आई प्लस आई डैश को टू आई लिख दीजिए और माइनस ए। इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालिए, यानी जब मिनिमम डेविएशन हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे निकालिए। तो आई कितना होगा, ए आया इस साइड में तो डेल्टा एम प्लस ए और टू आई है डिवाइडेड बाय टू आई, इतना निकल गया। आई थिंक क्लियर है बात। और ए कितना होता है, ए होता है आर वन प्लस आर टू, और मिनिमम डेविएशन में आर वन प्लस इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर लिए हैं, इसलिए ए हो जाएगा टू आर, यानी आर वन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसलिए ए बराबर टू आर मतलब आर बराबर ए बाय टू। ठीक है, तो आई भी निकल गया डेल्टा एम प्लस ए बाय टू माने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो गया ए बाय टू, ए माने प्रिज्म का एंगल। अब हम लोग स्नेल्स लॉ लिखें, मान लीजिए इस सरफेस पर तो क्या होगा, तो साइन आई माने साइन इतना, आई का वैल्यू तो इतना दिया है ना, साइन आई माने साइन इतना, साइन आर मतलब ए बाय साइन ए बाय टू इक्वल टू एन टू बाय एन वन। आई अगर इधर है तो एन टू बाय एन वन यानी एन टू वन। तो ये आपको मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला निकल गया, इसलिए बॉक्स कर दिया गया। अच्छा, यहाँ है अब आगे, फॉर ए थीन प्रिज्म, थीन प्रिज्म का मतलब एंगल ए बहुत छोटा हो, बड़ा नहीं छोटा एंगल, थीन प्रिज्म, थीन प्रिज्म के लिए ए होगा स्मॉल और डेल्टा एम भी स्मॉल होगा। तो इसका माने इस पर क्या असर पड़ेगा, यानी हेई एंगल पर अगर ए भी छोटा डेल्टा एम भी छोटा तो पूरा ये छोटा, तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं करीब करीब थीटा लिख सकते हैं यदि थीटा स्मॉल हो, इसीलिए साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय टू को हम करीब करीब डेल्टा एम प्लस ए बाय टू लिख सकते हैं, साइन हटा देंगे। उसी तरह साइन ए बाय टू ये छोटा है तो इसलिए हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ए बाय टू। अच्छा, ये कर दिए, तब इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाय टू, डेल्टा एम प्लस ए बाय टू डिवाइडेड बाय ए बाय टू, ए बाय टू इक्वल टू एन टू वन। अच्छा, टू में टू कट गया तो डेल्टा एम प्लस ए बाय ए इक्वल टू एन टू वन, और इसको अलग कर दीजिए तो डेल्टा एम बाय ए प्लस ए बाय ए यानी वन, तो डेल्टा एम बाय ए प्लस वन इक्वल टू एन टू वन। ठीक है, इससे आप डेल्टा एम निकाल लीजिए तो डेल्टा एम बाय ए इक्वल टू एन टू वन, इसको वन को उस साइड कर दीजिए माइनस हो जाएगा एन टू वन माइनस वन, और डेल्टा एम इक्वल टू एन टू वन माइनस वन इन टू ए। ये भी फार्मूला बॉक्स, कौन फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्या बताता है कि प्रिज्म का में जो मिनिमम डेविएशन एंगल और
प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच ये रिलेशन है, जिसमें कि ई भी है, प्रिज्म एंगल भी है। ये तीनों के बीच रिलेशन मतलब जो ये बताता है। तो मैं समझता हूँ कि बात क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर देंगे, और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा देंगे ताकि जाते रहेगा वीडियो, और दूसरे की मदद करना चाहते हैं तो आप जो उसको व्हाट्सएप वगैरह से उसको भेज दीजिए उनको, वो भी स्टडी करेंगे और चीज़ एकदम क्लियर होगा। एक बार में नहीं होता है, दो बार वीडियो देखिए क्लियर होगा। नहीं कहीं कुछ पूछना है तो हमको कमेंट में वीडियो में कर दीजिए, हम उसका उत्तर आपको दे देंगे जैसे होगा। ओके, थैंक्स।